हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आप आरके बुश डिजिटल वर्क्स चैनल में आपको स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त रंजन। मैं आज आपको बताऊंगा ये टाटा 16 BS4 गाड़ी पिकअप का इशू है। तो जो मेरा जॉल टेस्ट का जो स्कैनर है उसके स्कैनर में स्कैन किया तो P1807 का कोड आया है। वो जो प्रेशर रिलीफ वाला जो PRB है, PRB बोलते वो लॉन्ग टाइम के लिए एक्टिवेट हो गया है। तो उसको कैसे रीसेट करेंगे स्कैनर के मदद से, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और PRB जो रहता है फ्रेंड्स, उसका वर्किंग कैसा रहता है, उसका सिस्टम कैसा है, उसका रूल क्या है, वो पूरा डिटेल में वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में सॉफ्टवेयर लगा दिया हूँ। अभी सॉफ्टवेयर को ऑन करके मॉडल में जाएगी, टाटा में जाएगी। 16 का मॉडल सिलेक्ट करता हूँ। 16 का मॉडल सिलेक्ट करेंगे, फिर EDC 17 को सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। EDC 17 को सिलेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने से पहले उसका जो सॉकेट है, कोई अगर गाड़ी दूसरा गाड़ी में आप लगा रहे हो उसका सॉकेट बता देता है इसमें, तो सॉकेट को कनेक्ट करते। सॉकेट दिख गया, फिर अभी कनेक्ट करते। कनेक्ट करने के बाद वो आ गया पूरा प्रोग्राम। अभी डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने के बाद ये देखिए आप, P1807 का प्रेशर रेगुलेशन वाल ऑफ द इंजेक्शन रेल एक्टिवेशन टाइम टू लॉन्ग का एरर आ रहा है। तो इसीलिए वो गाड़ी मतलब पिकअप नहीं कर रहा फ्रेंड्स, लो पिकअप का प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे रीसेट करना है, वो आप जो भी बड़े स्कैनर है उसमें रीसेट कर सकते, लैपटॉप वाले जो भी स्कैनर है कोई भी कंपनी का हो। ये तो मेरा जल टेस्ट का है, तो अभी इसको रीसेट करते हैं। कैलिब्रेशन में जाएगी, रीसेट में जाएगी। एक पासवर्ड है, पासवर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं। जो स्कैनर जहाँ से लॉन्च करेंगे वो कंपनी का एक पासवर्ड रहता है, उसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद वो दूसरा प्रोग्राम ऑन होता है। ये देखिए प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है 36 बार ऑन ऑफ हुआ है, 36 बार ऑन ऑफ हुआ है। तो इसको रीसेट करके मैं 0 कर दिया हूँ, देखिए 0 हो गया है। और कितने टाइम के लिए ऑन हुआ था उसको अभी रीसेट करेंगे। देखिए उसको पासवर्ड ये एक्सपेक्ट करता हूँ, फिर इसमें देखेंगे कितना पॉइंट है। 477 हुआ है, इसको भी रीसेट मारेंगे। ये भी 0 हो गया है फ्रेंड्स। अभी इसको फिर से दोबारा डायग्नोस करता हूँ कुछ अभी इनएक्टिव हुआ कि नहीं। देखिए आप देख सकते हैं इनएक्टिव हो गया है, डीएक्टिव हो गया है इसमें। तो ऐसे आप कोई भी अगर कभी पिकअप का प्रॉब्लम आता है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए PRB अगर ऑन हो रहा तो आप ऐसे रीसेट मार सकते। छोटे गाड़ी के लिए अगर कार सेगमेंट में 30 बार भी अगर आ रहा तो इसमें आप चेंज ही करना है। अभी दोबारा इसको इरेज कर देता हूँ पूरा कोड को। अगर छोटे गाड़ी कार सेगमेंट में 30 बार काउंट हो गया तो चेंज करना पड़ता, बड़े गाड़ी के लिए 50 बार काउंट हुआ तो चेंज करना पड़ता फ्रेंड्स, ठीक है। PRB है फ्रेंड, प्रेशर रिलीफ वाले कॉमन रेल में लगा रहता है, इसी का एरर आ रहा है। वो P01807 जो कोड आ रहा है इसी का है। वो लॉन्ग टाइम के लिए एक्टिव हो गया था, जो ओपन है ये प्रेशर को रिलीफ करता है, इसका नाम है प्रेशर रिलीफ वाल। तो जो कॉमन रेल का जो सिस्टम है वो प्रेशर को रिलीफ करता है। इधर से जो होल है इधर से प्रेशर अंदर जाता, और किसी कारण से सिस्टम का प्रेशर जैसे 1600 बार है, किसी कारण से अगर 1700 बार अगर हो जाता है तो उसको रिलीज कर देता है वो, ठीक है। इधर से प्रेशर जाएगा, इधर एक होल जो है उधर से वो प्रेस स्प्रिंग है, इसके अंदर स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग प्रेस होगा। प्रेस होने के बाद वो दूसरे वाला जो होल है वो चालू हो जाता है, ठीक है। तो उधर से रिलीज हो जाता है वो, साइड में जो होल है वहाँ से रिलीज हो जाता है, यहाँ पे यहाँ से रिलीज कर देता हो, ठीक है। प्रेशर रिलीफ वाला मैंने बताया था आपको, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ स्प्रिंग है। उस स्प्रिंग का जो टेंशन है, उस स्प्रिंग का जो फोर्स है वो 1600 बार का, जैसे सिस्टम का प्रेशर 1600 बार है, 1600 बार तक वो प्रेशर रुकता है। और किसी कारण अगर सिस्टम का जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो 1700 बार हो जाता तो स्प्रिंग को ढकलता है उधर। तो कितने बार वो ओपन हो रहा है उसका काउंट करता है वो ECU। अगर कार सेगमेंट में 30 बार का काउंट हुआ, उसके ऊपर अगर काउंट हुआ तो आप रिलीफ वाल्व डाल देना चाहिए। और हैवी कमर्शियल व्हीकल में 50 बार काउंटिंग अगर हो गया तो उसके बाद वो नया डालना है, क्योंकि वो स्प्रिंग जो है वो लूज हो जाता है फ्रेंड्स। अरे देखिए इधर से जब प्रेशर बढ़ता है वो रिलीज कर दे रहा, ठीक है। इधर से रेल फ्यूल रिलीफ वाल्व प्रेशर, जैसे देखिए इधर प्रेशर बढ़ा वो उधर स्प्रिंग उठ गया और इधर से प्रेशर रिलीज हो गया टैंकी में। तो ऐसा कितने बार काउंट हो रहा उसी का खेल है फ्रेंड। अब
अभी आप समझ गए होंगे कि ख़राब होने से क्या प्रॉब्लम आता है और उसका वर्किंग कैसा है, क्या सिस्टम है, प्रेशर रिलीफ वाल्व का वर्किंग कैसा है वो आप पूरा समझ गए होंगे। वो भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आया तो ऐसा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फाइनल हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है। जो भाई लोग अगर नया है मेरे चैनल में, नया वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।